हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। अल्लाह पाक के करम से यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो हमने आज हम दिल्ली का एनालिसिस करेंगे। ये हमने मार्क किया था, यहाँ तो मार्केट नहीं आई लेकिन हमने दूसरे ब्रोकर में है। आपको मैंने इस एरिया के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट ने, मैंने आपको बताया था ये AMD रेंज मुझे लग रही है यहाँ पर। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है और मार्केट ने ऐसा ही यहाँ पर किया, ठीक है। और एक हमारी ट्रेड थोड़ी सी मिस हुई है बस, ये देखें गोल्ड की आउट क्लास ट्रेड थी, ठीक है। और बल्कि काफ़ी तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने पकड़ भी लिए, ये भी ट्रेड पकड़ी उन्होंने खुद अपने, उससे मैंने उनको नहीं बताया। और देखें एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था कि ये टारगेट होगा, पहले आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं गोल्ड के एनालिसिस की। मैंने आपसे कहा था ये मार्केट का टारगेट होगा एग्जैक्टली, और वो देखें बिल्कुल वही, एक पिप भी नीचे जो है वो मार्केट क्लोज नहीं हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम वही हुई है, वहीं से मार्केट इस वक्त उठ रही है, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं इसका कि मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा जी, सेलिंग जो है वो कंट्रोल में आ चुकी है और यहाँ पर भी हमें सेलिंग जो है कंट्रोल में दिख रही है, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी अच्छी गई है, इसको हम करते हैं रिमूव। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। H4 में मैं ज़रा देख लूँ। अच्छा जी, यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया इस जगह पर, जब हमने यहाँ मार्क किया था ये। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है H1 में जाते हैं। यहाँ पर इंट्रा ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेस प्रोबेबिलिटी यहाँ पर किया और यहाँ पर मार्केट ने कंफर्म जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो वाला यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ये इंट्रा ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मार्केट खैर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। ये इंट्रा ट्रेंड, ये वाला जो ट्रेंड है ना जिसको हम करेक्टिव वे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है, जरा 30 मिनट में हम चेक करें कि मार्केट ने यहाँ पे हमारे लिए क्या छोड़ा। अच्छा जी, यहाँ पर स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ तक हमें दिख रहा है, इवन यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी वीकनेस दिख रही है, इस जगह बिल्कुल वीकनेस है। यहाँ पर भी मार्केट ने बिल्कुल जो है वीकनेस साइन जो है दिखाई हुई है। मार्केट चूंकि सेल के अंदर है, मैं इस एरिया को मार्क नहीं करना चाह रहा, और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ मजीद इसको ब्रेक डाउन करती तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते थे। 15 मिनट में हम देखेंगे मार्केट में कोई करीब करीब के अंदर कोई एरिया दिखे ना। यहाँ मार्केट ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट दिखाई हुई है, तो हमारे पास फिलहाल मार्क करने के लिए यही एरिया है फेयर वैल्यू गैप। इसको हम यहां मार्क करेंगे 1967.16। अब ये मार्केट सिर्फ यहां से नहीं, ये जो हमारे पास एरिया मौजूद है, ठीक है, यहाँ से भी मार्केट पलट सकती है। तो आपने दोनों जहन में रखना है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप तो किया है लेकिन प्रॉपर एक आप कह लें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पर नहीं किया है। फिलहाल हमारे पास यही एरिया एक करने का। अगर मार्केट इससे नीचे ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सप्लाई होगी वो एक्टिव हो जाएगी। अगर यहाँ इस एरिया में मार्केट कोई सप्लाई क्रिएट करेगी इस एरिया में, तो वो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपडेट भी कर दूंगा। और तो ये गोल्ड का हो गया हमारा, ठीक है। दो एरियाज आप याद रखिएगा, ये वाला एरिया और ये ऊपर वाला एरिया, यहाँ से मार्केट कर सकती है। जहाँ मार्केट इस वक्त मौजूद है ये स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे मार्केट कर सकती है। और इसका जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है,
अगर इससे नीचे मार्केट ब्रेक करती है, यहाँ पे जो भी सप्लाई होगा उसका टारगेट यहाँ तक रहेगा। तो यूरो यूएसडी अगेन देखते हैं, यूरो यूएसडी यहाँ पे 50-50 दिखा रहा है, यहाँ पर यूरो यूएसडी बेरिश है, सही है, और हमें टेक्निकली भी दिख रहा है कि मार्केट जो है वो बेरिश है। हम जरा फंडामेंटल देख लें, कोई न्यूज तो नहीं है। अच्छा जी, आज है एक न्यूज 5:15 पर, ADP नॉन फॉर्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट चेंज। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन कर रहे हैं, यानी मार्केट बैडली जो है वो यूएसडी गिर सकता है बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। अब जो एक्चुअल नंबर आएगा अगर वो इससे ज्यादा आया तो अच्छा रहेगा, अगर इतना ही आया तो गिरेगी मार्केट, अगर इससे कम भी आया तब भी मार्केट गिरेगी, यानी चांसेस मार्केट के जो है वो अनस्टेबल होने के जो है वो करीब है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मार्केट साइड वे में जो है ट्रेड कर रही है, तो हमें इस हिसाब से इस एक न्यूज के ज्यादातर ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है, ठीक है। क्रूड ऑयल की भी है, लेकिन क्रूड ऑयल की कोई इतनी खास नहीं है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ तेल जो है वो जा सकता है, ये 7.5 बजे, लेकिन आपने 5:15 बजे के करीब मार्केट को देखना है। अगर आप ट्रेड में हैं तो आपने ब्रेक इवन एटलीस्ट कर लेनी है ट्रेड को, अगर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो आपने पहले देखना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। 70% चांसेस है कि मार्केट जो है वो यूएसडी सेल में जाएगा, और यूएसडी के साथ जो है यानी यूरो यूएसडी ये अप में जाएंगे, बाय में जाएंगे, जीबीपी यूएसडी भी बाय में जाएगा, यूएसडी जेपीवाई ये सेल में जाएगा, यूएसडी सीएचएफ ये सेल में जाएगा, यूएसडी कैट ये भी सेल में जाएगा, ओड यूएसडी ये अब जाएगा, न्यूजीलैंड यूएसडी अब जाएगा, अगर न्यूज पॉजिटिव रही तो। अगर ये इनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही रही, मार्केट का डेटा सेम इसी यही आया तो भी मार्केट गिरेगी, अगर इससे कम आया तो भी मार्केट गिरेगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा आया तो या तो मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर ऊपर की तरफ मार्केट चल पड़ेगी, यूएसडी यानी स्ट्रॉन्ग ओवर, बाकी यूरो यूएसडी जीबी यूएसडी ये डाउन चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने मोहतात रहना है आज 5:15 बजे तक, और ये हाई इम्पैक्ट न्यूज है, आप देख सकते हैं लाल फ्लैग इन्होंने लगाया हुआ है। तो फिलहाल हम टेक्निकल पे करेंगे, फंडामेंटल मैंने आपको समझा दिया, इस एरिया को ही हम जो है मान के चलेंगे। अगर हम यहाँ पर एक डिमांड भी मार्क करें, अगर मार्केट मैनिपुलेट करती है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी खास एरिया तो नहीं है। H3 में हम देखते हैं, अच्छा H3 में हमें दिख रहा है, H2 के अंदर हमें नहीं दिख रहा, H1 के अंदर हमें यस हमें दिख रहा है, H1 के अंदर ठीक है, ये वाला जो एरिया है रैली बेस रैली, और यही हमारा फेयर वैल्यू गैप रहेगा इस जगह पर। इन केस मार्केट का डेटा जो है वो पॉजिटिव आता है यूएसडी में और मार्केट ऊपर जाती है, सॉरी नीचे जाती है, तो ये हमारा सप्लाई एरिया तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, अगर मार्केट मैनिपुलेट करके आती है। इन केस नेगेटिव आता है और यूएसडी स्ट्रांग होता है, तो सॉरी वीक होता है, तो ये पैर ऊपर चले जाएंगे, ये वाली सप्लाई बेमायने हो जाएगी। अगर मार्केट जो है वो लकीली, अगर हम अच्छे हमारी किस्मत अच्छी रही, मार्केट मैनिपुलेट करके नीचे की तरफ गई और मार्केट फिर ऊपर गई, तो ये एरिया हमारे लिए कारामत साबित होगा, ठीक है। 1.09246 अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से तो नहीं किया, लेकिन ये वाली जो मार्केट ने प्रीवियस हाई है इसको मार्केट ने जरूर इसी उससे ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। 9 मिनट के हो गए, 2 पेयर हमने कर दिए, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।